ओके okay. आपने ये भी देखा होगा ना कि कहते हैं ना भगवान संकट और परीक्षा उसी के लेता है जो सक्षम होता है तो इसमें हम हम तो तो इस कितनी सच्चाई आपको नजर आती है देखिए ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर के जो जितना करीब होता है ना mm -hmm. आप परम जी सब कुछ आपकी लाइफ में समूच चल रहा है सब कुछ बड़ा अच्छे से चल रहा है तो आप मान लीजिए ईश्वर शायद आपसे नाराज है वो इसलिए क्योंकि उसने आपको अपने आप को याद करने का मौका ही नहीं दिया hmm. जब कभी भी आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे फेजेस से निकल रहे हो जहां पर आप उस ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हो तो आपको ईश्वर अपने समीप जो है वो लाने का प्रयास कर रहा है जब वो समझ लेना आपसे रूठा हुआ है ना तो आपकी जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही होगी आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है तो हर उस व्यक्ति को उस ईश्वर का शुक्राना जो है वो करना चाहिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं आपने स्माइलीज देखे होंगे दो हाँ। जी एक स्माइली में चेहरे की मुस्कुराहट कैसे है? मुस्कुराते हुए और एक में फेस जो है वो डाउनवर्ड उल्टा यू तो जो भौतिक सुखों को देखते हुए कि मेरे को ये नहीं मिला ये नहीं मिला ये नहीं मिला ये नहीं मिला और अपने अंदर ही परेशान होते जा रहा है वो लाइफ के अंदर हमेशा उसका मुँह लटका हुआ है और जो उस ईश्वर की ओर हमेशा देखता है उस परमतव की ओर हमेशा ऊपर देखता है और हमेशा उसको थैंक्स करता चला जाता है हर चीज़ को लेकर के वो उसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हमेशा अगर हमने ईश्वर को पाना है या ईश्वर को समझना है तो सबसे पहले खुद को समझना है और ईश्वर यकीन मानिए ऐसा इसको मान लेते हैं कि जितना ज़्यादा हमारी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है मैंने क्या बोला उतना ज़्यादा हम ईश्वर के समीप जा रहे हैं तो दुख तकलीफें भी तभी हैं एक जानवर जब हम कोशास की बात कर रहे थे ना अन्न में कोश प्राण में कोश मनु में कोश विज्ञान में कोश और आनंद में कोश ये पांच कोश में से तीन कोश जानवरों के भी होते हैं हमारे भी होते हैं और हम मनुष्य इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया और उस बुद्धि उस विवेक में हम क्या कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसते चले जाते हैं ईश्वर के प्रति कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया देर आर मेनी थिंग्स लाइफ के ज़िंदगी के अंदर लोगों के बहुत सारी परेशानी हैं सिर्फ यह है कि हमें दिखती नहीं है हमें सिर्फ अपना दिखता और जबकि हकीकत यह है कि पृथ्वी में हमारी एग्जिस्टेंस ही नाक के बराबर है सो so, ईश्वर को शुक्रिया कीजिए कि ईश्वर ने आपको लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया हम सांस ले रहे हैं ना इस वक्त परम जी यही बहुत बड़ी बात है राइट right. यही उस ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है वो लोग जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो वो उनकी तो जिंदगी कंप्लीट हो चुकी है ना hmm.